रिया बताएंगी सच क्या है। अब तमाम ये जो सवालों के बीच बातचीत हुई है सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह से। सुशांत के चचेरे भाई हैं नीरज बबलू, तो ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक अपडेट रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहा है, और इसी के तहत एक और बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और देखिए कहावत है हमारे यहाँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वही स्थिति रिया के साथ है। मुझे नहीं लगता है कि रिया इस मामले में बच पाएगी, भाग के कहाँ जाएगी। कानून जिस तरह से उसे घेरने का काम कर रही है एविडेंस के आधार पर, चाहे ईडी हो या सीबीआई को जो भी एविडेंस मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें उनका बचना मुश्किल होगा। ठीक है, वो अपना प्रयास कर रही है, प्रयास करना भी चाहिए, करे प्रयास, लेकिन इतने सारे एविडेंस उपलब्ध हो गए हैं और होने वाले हैं, उनका बचना मुश्किल है। चाहे वो कहीं भाग के जाए या कोई भी कानूनी अपना काम करे, मुझे नहीं लगता है कि उनको बचने का राहत मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार ने ये कहा है कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसलिए दोस्ती करती हैं क्योंकि वो उनके पैसे हड़पना चाहती हैं, ये बात कितनी सच है? देखिए, वो परिवार के तरफ से जो एफआईआर किया गया उसमें तमाम जो डिटेल्स दिए गए थे, बिहार पुलिस को भी वही जांच में कुछ बहुत कुछ सामने आया है, तो एफआईआर कहीं ना कहीं एक सही दिशा में था और सही प्रूफ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बिहार पुलिस के जांच से भी सीबीआई को काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा, काफ़ी सबूतें मिलेंगे, और बहुत कुछ जो नहीं अभी आया है वो सीबीआई के स्तर से बाहर आएगा। तो हम लोगों को और पूरे देश को एक आशा और उम्मीद जगा हुआ है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो हर कुछ सामने आ जाएगा, ये उम्मीद है। एक बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि एक तरफ रिया अपनी एनुअल इनकम 18 लाख दिखाती हैं, मुंबई में उनके पास दो प्रॉपर्टी है, क्या ये संभव है कि इस 18 लाख से मुंबई में इतनी प्रॉपर्टी बनाई जाए? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, हर चीज़ पर हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ जो एविडेंस प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, पेपर से है, कागजात हैं, वो तमाम चीज़ें निकल रही, और जब सारे चीज़ें सामने आ जाएगी तो मुझे लगता है कि हर कुछ सामने आ जाएगा, सारा दोष उसका सामने आ जाएगा, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पहले रिया सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब वो इस जांच से मुकर रही हैं, ईडी से वक्त मांग रही हैं, आखिर क्यों, क्या ईडी से वक्त क्यों मांग रही है? ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर रहे थे कि जैसे पूरा देश सीबीआई जांच मांगना शुरू किया, परिवार सीबीआई जांच मांगने लगा, तो उसी सुर में सुर भी उसने भी मिलाने का कोशिश किया कि हम भी कह देते हैं, अगर सब लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच तो हम भी कह दें सीबीआई जांच, ताकि मामला लोगों का डाइवर्ट हो जाए, लोगों का ध्यान हमारे से हट जाए, लोग बोला रहे ये भी तो सीबीआई मांग रही है, और जब सीबीआई मांग रहे थे तो क्यों भाग रहे हैं, आज सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं, ईडी से क्यों भाग रहे हैं, उनको सारे जांच को फेस करना चाहिए। हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि सारे जांच को फेस करें, जो उनके पास तथ्य है, अगर आरोप लगाया गया है तो जो उनके पास तथ्य है वो प्रोड्यूस करे, पेश करे, और अपना बचाव का रास्ता खोजे कि भाई कैसे आप बच सकते हैं, तो फेस तो करना चाहिए, भागने से तो काम चलेगा नहीं। और आप किसी भी अभी तक उन्हें प्रस्तुत हो जाना था ईडी के सामने, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने नहीं गई हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है, और लगातार वो बचने की भागने की कोशिश करती नजर आ रही। देखिए, हम पहले ही कह रहे हैं, जब मुंबई बिहार पुलिस मुंबई गई थी और रिया के घर पर गई थी तो उस समय वो लापता हो गई थी, तो मैंने उस समय भी बोला था कि रिया को पुलिस को फेस करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं गया था, तो सिर्फ पूछताछ की बात थी तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, उन्होंने उस समय ही अपना पक्ष ना रख के भाग के अपना चेहरा सामने ले आया कि हम दोषी हैं, और आज वो हर चीज़ से भाग रही, ईडी से भाग रही, सीबीआई से भागेगी, वो भाग के जाएगी कहाँ, देश के किसी बिल में घुसेगी तो उसे निकालने के लिए सीबीआई सक्षम है, चाहे वो देश में रहे विदेश में रहे, वो भाग नहीं पाएगी, बच नहीं पाएगी, ये हम लोग को पूरा उम्मीद है। देखिए, कहीं ना कहीं दिशा से भी ये सुशांत सिंह की आत्महत्या और हत्या का मामला, उनकी मौत का मामला जो है वो जुड़ता नज़र आ रहा है, जैसा कि पब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे जिसमें ये चीज़ें निकल कर आईं कि कहीं ना कहीं ये जानकारी थी सुशांत सिंह राजपूत को कि किस तरीके से दिशा की जो आत्महत्या या कहें हत्या का जो मामला है वो कहीं ना कहीं रिया से कनेक्टेड था, तो क्या इस वजह से भाग रही हैं, बच रही हैं, या कुछ बचा बताना नहीं चाहती?
देखिए ये चीज़ें हम लोग को पहले भी फील हो रहा था और कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि जो दिशा का कथित आत्महत्या हुआ है वो भी एक हत्या ही है, ये हम पहले भी बोले हैं और आज भी हमें पूरा ये लग रहा है कि दोनों घटना लिंक्ड है और दिशा के घटना से इनका घटना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लिंक है और जब जाँच में सामने आएगा तो दिशा का भी हत्या है ये भी सामने आएगा और ये तो हत्या है ये तो लोगों को अब दिखने लगा है।